हेलो एवरीवन, राधे राधे और आप सभी को शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि शरद पूर्णिमा साल भर की सबसे बड़ी पूर्णिमा होती है और इस दिन चंद्रमा 16 कलाओं से युक्त होता है और अमृत वर्षा करता है। तो रात को खीर भी बनाई जाते ही है, मैंने भी ऐसा ही किया था। खीर बनाई रात को और उसे एक पतले से कपड़े से कवर करके बाहर चांद की रोशनी में रख दिया था, क्योंकि ये मान्यता है कि जब हम पूरी रात खीर को बाहर रखते हैं तो चांद की रोशनी से ही अमृत बन जाती है और सुबह सब परिवार को मिलके इसे प्रसाद के रूप में लेना चाहिए। इससे अच्छा स्वास्थ्य तो मिलता ही है, साथ साथ मानसिक संतुलन भी मिलता है। तो हमने भी खीर बनाई और उसके बाद मैं अपनी फैमिली के साथ ही सबके साथ हम लोग छत पे गए थे, थोड़ी देर चांद की रोशनी में टाइम स्पेंड किया था, क्योंकि माना जाता है कि इस दिन चांद की जो रोशनी है उसमें बहुत पॉजिटिविटी होती है। तो हमें थोड़ा सा टाइम रात को ज़रूर चांद की रोशनी में स्पेंड करना चाहिए। और ये नेक्स्ट मॉर्निंग का वीडियो है। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि इस बार शरद पूर्णिमा 16 की शाम को शुरू हुई थी और 17 तारीख की शाम को ख़त्म हो गई थी। तो खीर का जो हमने प्रोसेस किया था वो 16 तारीख को किया था और ये वीडियो नेक्स्ट मॉर्निंग 17 तारीख का है, सुबह की पूजा के बाद। इस दिन जो कान्हा जी का, लड्डू गोपाल जी का, राधा रानी जी का पूरा सफ़ेद रंग से, वाइट कलर से श्रृंगार किया जाता है, वाइट ड्रेस होती है, वाइट कलर का ही चीज़ों का भोग लगाया जाता है, वाइट कलर के ही आभूषण पहनाए जाते हैं, फूल भी वाइट कलर के ही अर्पित किए जाते हैं, क्योंकि शरद पूर्णिमा में वाइट कलर का बहुत महत्व होता है। और इसी दिन कृष्ण भगवान ने और राधा जी ने महारास किया था शरद पूर्णिमा की ही रात को। और ये देखिए आप मेरे लड्डू गोपाल जी सामने कितने प्यारे लग रहे हैं, और राधा रानी जी को देखिए, आज तो वाइट कलर में इनका अलग ही निखार आया है। वैसे तो मैं जब भी कुछ पहनाती हूँ मुझे तभी बहुत प्यारे लगते हैं, पर शरद पूर्णिमा में तो वाइट कलर में कान्हा जी और राधा रानी बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। और ये सुबह की पूजा के बाद का, भोग के बाद का वीडियो है, जो मैंने रात को खीर रखी थी छत पर, वही पहले मैंने लड्डू गोपाल जी को भोग लगाया था, उसके बाद हमने पूरे परिवार ने ये खीर ली थी और साथ में ये रसगुल्ले का भोग लगाया था। दूध का भोग तो रोज़ लगता ही है, जैसे कि शरद पूर्णिमा है तो वाइट चीज़ों का ही भोग लगना था। तो ये भोग लगाने के बाद आप सामने देखिए, मेरी तो नज़र ही नहीं हट रही थी, इतने प्यारे लग रहे थे ये। आप बताइए आपको कैसे लग रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी को शरद पूर्णिमा की एक बार फिर से हार्दिक शुभकामनाएं। और ये वीडियो आज का आपको कैसा लगा? छोटा सा वीडियो आपके लिए शूट कर लिया था लड्डू गोपाल जी का और राधा राधी जी का श्रृंगार का। उम्मीद करती हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए राधे राधे।